और इस वक्त की खबर आ रही है कुशीनगर के खड्डा तहसील से, जहां पर भीषण आग लगने से 5 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह से लगी है आग, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं बिल्कुल बता दूं, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खट्टा नगर पंचायत में जो है सिलेंडर फटने से ये भीषण आग लगी है। मैं आपको बता दूं, आग की लपटें इतनी तेज थी कि जो है 4 से 5 दुकानें जो है वो जल करके खाक हो गई हैं। अनुराग, क्या दमकल की गाड़ियां वहां समय से नहीं पहुंची, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बता दूं, आधे घंटे तक जो है धू धू करके सिलेंडर फटता रहा और दुकानें जो है वो लगातार जलती रही। 5 दुकानें जो है, मैं बता दूं, पीछे जो है वो काशीराम आवास भी है और उसमें भी जो है आग की लपटें पहुंच गई थी, लेकिन दमकल की जो गाड़ी है वो समय से नहीं पहुंच पाई। आधे घंटे तक जो है ये आग लगा रहा। स्थानीय लोगों के कड़ी मशक्कत से जो है आग पे जो है कुछ देर के बाद काबू पाया जा सका है। दुकानदारों से अनुराग अगर आपने बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस मामले पर? जी सर बिल्कुल, मैं बता दूं, वहाँ अफरा तफरी का माहौल जो है बना हुआ था। लगातार जो है सब लोग दौड़ दौड़ के आग बुझाने में जो है लगे हुए थे। दुकानदार अभी, हालांकि किसी दुकानदार से सर बात नहीं हो पाई है, जिस तरह का वहाँ पर माहौल था, हर तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जी शुक्रिया अनुराग तिवारी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।